तो गाइस कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि नविका ने मंगाए थे स्पाइसी नूडल्स, उन्हें खाने की मुझे इतनी कमी है कि इतनी तड़तड़ाती धूप में भी मैं जा रही हूँ। और रूपाली और सानवी तो एक्टिवा से गए, तो मैं अभी पैदल ही जा रही हूँ। और थोड़ी थोड़ी मेरी चलते चलते सांस भी फूल गई है, और घर जाके दिखाऊंगी आपको मैं अभी फिलहाल। तो अभी मैं फिलहाल चलते चलते थोड़ी सी जाती हूँ आगे तक। सो गाइस मैं पहुँच गई घर, और जब तक मम्मी नीचे ग्राउंड फ्लोर में थे सही था, अब मम्मी लोग चले गए तीसरे फ्लोर पे चढ़ने में दिक्कत है, हम तो ग्राउंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं, तो बढ़िया है भाई। तो चढ़ने ही पड़ती सीढ़ियाँ, थकान हो जाती है मम्मी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज हम करने वाले हैं फूड चैलेंज। मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसे चैलेंज करी, और रूपाली और हम इसमें चार लोग हैं, मैं नविका और रूपाली और मेरा भाई। तो हम सब इसे फर्स्ट टाइम ही टेस्ट करेंगे, और फर्स्ट टाइम ही हमने सोचा कि चलो एक चैलेंज करते हैं। तो ये है 3x स्पाइसी, और ये है सामयांग का है बुलबक। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम क्या पता देर तक टिक जाए, अब पता नहीं। तो देखते हैं वीडियो में किसकी फटेगी और किसकी हटेगी। ये तो देख आपको वीडियो के एंड तक पता ही चल जाएगा, तो गाइस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो हम चैलेंज करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। तो ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा के लोगों की वीडियो देखी थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा कि काफ़ी ज़्यादा ये स्पाइसी है, और इसमें हमें कुछ 5 मिनट का हम चैलेंज करेंगे इसमें। तो देखते हैं कि कौन 5 मिनट तक टिक पाता है, कौन नहीं टिक पाता। और सो गाइस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम खुद अपने लिए कर रहे हैं अभी फिलहाल। देखते हैं, हमारा मन भी था काफ़ी टाइम से कि हम करें, और एक बार हमारा मन वो भी था वो जोलो चिप्स, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों की मैंने देखा कि फट चुकी है, तो उससे मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊँगी ये चैलेंज, तो क्योंकि इतना स्पाइसी खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और ना अपनी किडनी को फेल करने का इरादा है। बस ये मैंने एक बार ट्राई करना चाहूँगी मैं इसे, कि अगर इसमें भी हमारी किडनी फट गई तो समझो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तभी आपको मज़ा भी आएगा और इन्जॉय भी करोगे हमारी वीडियो को, और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी तभी करोगे जब आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो बने रहिए। दोस्तों आज तो कुछ हल्का बसने वाला है, आज सबकी हवाइयाँ उड़ने वाली है। ये देख लो, ये चेहरे दो गोरे गोरे चेहरे लाल दिखेंगे थोड़ी देर बाद। हम सब ये सामना मुझे स्पाइसी चैलेंज करने वाले हैं, मुझे पता है कि जो सबसे पहले ये ख़त्म करेगा ना वो जीत जाएगा, और जो हारेंगे तीन लोग वो पार्टी देंगे सबको। तो हम पहले चैलेंज शुरू करते हैं, टाइमर नहीं बाद में लेंगे ना। काफी टाइम से तिजोरी में संभाल के रखे थे, और ये हमारे अब काम आए, तो हम आइसक्रीम पे मिल गए क्या मतलब भाभी देखी है मैं मिल गया वीडियो हमने इस मुद्दा पे कितनी फट गई गाइस बुरा मुंह जल गया क्या कर रहा है मेरे को भी आंखें लगा सही है मेरे कपड़े खाली
गुड़ लाओगे गुड़ ऐसा लग रहा है कुछ दही वगैरह भी देते ना चलो हमको सीखा से मिलता है एक फोटो लेना था और नहीं ऐसे लीजिए खाली सो गाइस नीमा की और रूपाली कुछ ज़्यादा फट गई है ये दोनों दही खाने लग गए तो मैंने तो पूरा घर की मैंने पूरा खाया है मैंने भी पूरा खाया भाई खाया इसलिए नहीं है पूरा ठीक देखो मैंने पूरा खा दिया थोड़ी से बचा एक फोटो के लिए और मुक्कू की मुझे लगता है ज्यादा फट गया वो तो वॉशरूम चला गया डायरेक्ट मुझे लगता है कि ये टी शर्ट के नीचे से करा दी होंगी अभी आएगा तब देखते हैं जो जो कमजोर दिल वाले हैं मत करो रूपाली चीनी पे चीनी घटकाई जा रही है तीसरा चम्मच चीनी नहीं भाई साहब की हालत बहुत पस्त हो गई ये है सैले खाने का नतीजा देख रहे हो जो चक्कर आ गए सर सुर सा धोने लग गया ये मुको कह रहा मेरे फेफड़े फुफड़े केवल रूपाली का हालत देखो कितनी पस्त हो गई है नीमा तो शायद थोड़ी देर में बेहोश ना हो जाए उसके पार्लर वाली आने वाली है सीखने के लिए मुकुने यहाँ पे चॉकलेट की ढेर लगा दी है मुझे लगता है ये जोलो चिप्स के काबिल बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन्हें बहुत तेज मिर्च लगती है पर मैंने पूरा खत्म किया और मुकेश ने पूरा खत्म किया है और नीमा ने भी पूरा खत्म कर दिया है और भाभी भाभी जो है सब बोल रही है जो लोग जिनके लाइक नहीं है ये जो लोग जिनके लाइक नहीं है अभी वही छूटा पड़ा है सारा का सारा मैं थंबनेल के लिए कि चाहे फोटो खींचने के लिए ना थंबनेल के लिए कुछ चाहिए ऐसे करने वाला है ना तो इसलिए मैंने बचा रखा है तो गाइस फाइनली जीता मुकेश क्योंकि उसने पहले सारे फिनिश कर दिया था और उसके बाद तो रूपाली ने फिनिश किया फिर नीमा ने और मेरा तो अभी बचा पड़ा है थोड़ा सा मेरा तो बस ऐसे रोटी की दस्त बिगड़ गई पेट के आंतड़े मेरे बहुत ज़्यादा वो हो गए सो गाइस ये थे हमारी आज की वीडियो और हमें बहुत मज़ा आया मज़ा क्या फट गई सबकी मुझे लगता है कि सब पे ही अलग अलग रिएक्शन करता है कि मेरे जीभ जली थी नविका के आंतड़े और रूपाली के माथे में दर्द हो गया था मुकेश तूने लाइट बंद कर दिया मेरे सामने मुक्कू का तो ऊपर से नीचे तक सब जल गया था क्योंकि उसने फटाफट ज्यादा हो गया था उसका पानी से बिल्कुल नहा धो के वो आया बाहर अभी तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसका मुकबैंग मिलेगा रूपाली के ब्लॉग में चैटर प्लेटर में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना हाथ जोड़ के तुमसे विनती है सबसे कृपया और जो नए नए लोग हैं वो तो प्लीज़ कर ही देना अरे अब हम तीनों क्योंकि मुकेश जीत गया है तो हम तीनों ने पार्टी देनी है कोई बढ़िया जगह तो हम करेंगे पार्टी वाला ब्लॉग भी जल्दी आ जाएगा थोड़ा टाइम तक आ ही जाएगा क्योंकि अभी नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं तो चिकन हम वेज ही खाएंगे तो हम नवरात्रि में भी जा सकते हैं कोई बात नहीं हाँ तो नवरात्र तक हमारा आ जाएगा है ना तब तक तो हम फ्री हैं सब लोग अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम अगली बार और भी ज़्यादा खतरनाक चैलेंज करेंगे और वो सारे चैलेंज मेरे चैनल पर होने वाले हैं भाई तो ब्लॉग डालती है मैं ऐसे चैलेंज डालती हूँ तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहें इतना बढ़ाते रहें ताकि हमें बहुत आगे ताकि हमें बहुत आगे रहें तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टाटा और गाइज अगर कोई छोटे कमज़ोर दिल वाले हैं तो इसको बिल्कुल ट्राई ना करें क्योंकि बहुत कुछ भी हो सकता है तो इसलिए हम थोड़ा बड़े दिल वाले थे तो हमने कर लिए बड़े दिल वाले सॉरी तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं मुझे पेट वाले हैं बोल सबके पास बड़ा दिल है तो बाय बाय गाइज मेरे पेट में दर्द और मैं तुम्हें बर्तन दिखाती हूँ अभी मेरे को तो उतना रोना उस खाने को देख के नहीं आया जितना रोना मुझे बर्तन देख के आ रहा क्योंकि बर्तन अभी नीमा ने धोया ना इसलिए देखो भाई वैसे इतने ज्यादा भी नहीं है इतने कम कम ही बर्तन है तो ये आराम से उन्हें धो पाएगी ये पहले धो चुकी हूँ मैं हटो हैं वो सुबह धो चुकी हूँ मैं ये अभी है मेरे को अगर किसी को घर में काम करना हो तो बताना किसी को के घर में काम करना हो तो बताना मैं इसको भेजूंगी ये मेरे साथ झाड़ी पर काम ये हमारी कांता भाई है ए शांता भाई कुछ बोल बिल्कुल नहीं ये जो तुम्हें दिखा रही है ये इसी के लिए है बाय गाइस मेरे तो पसीने भी छूट रहे थे कैसे लग रहा हूँ वो ऑयली ऑयली स्किन जो